हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, इस तरीके के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और जो मैं आपको टाइप के अनुसार कराऊँगा। तो देखिए दोस्तों, पहला टाइप है आपका जब हर समान हो। जब हर समान हो यानी कि कोई भी भिन्न दी गई हैं उनके अगर हर समान हो यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना पड़ेगा, कैसे पहचानें कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 4/5, 3/5, 7/5, 8/5, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए दोस्तों, जब क्या हो, जब हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, ठीक है ना। तो जो न्यूमरेटर में छोटा लिखा होगा संख्या, तो वही सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो जिसका अंश अंश छोटा तो वो होगी कौन सी, छोटी फ्रैक्शन, छोटी भिन्न होगी, ठीक है ना। ठीक है, यदि हर समान हो तो अंश छोटा तो छोटी फ्रैक्शन, ठीक है ना, छोटी भिन्न, और अंश अगर बड़ा हो तो बड़ी फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4/5, 3/5, 7/5 एंड 8/5। 4/5, 7/5, 3/5 और 8/5, यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब देखिए, अगर हम दोस्तों आरोही क्रम लिखना चाहें इसका, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा क्रम, तो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न 3/5, उससे थोड़ी सी बड़ी 4/5, उससे और बड़ी 7/5 और उससे और बड़ी 8/5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर हर समान है तो जिसका अंश छोटा वो छोटी फ्रैक्शन और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन। दूसरा टाइप है दोस्तों, जब अंश समान हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मान के चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है हमारे 5/7, 5/3, 5/2 और 5/8, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए, जब क्या हो, अंश समान हो, सारे अंश क्या हैं, समान हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, अंश समान हो, तो हमें क्या करना है, अब हरों को देखना है। तो जिसका हर छोटा तो वही बड़ी भिन्न होगी, उल्टा है दोस्तों इसमें, ठीक है ना, हर छोटा तो वो होगी बड़ी भिन्न और हर अगर बड़ा है तो वो छोटी भिन्न, ठीक है ना, वो छोटी भिन्न, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 5/7, 5/3, 5/2 और 5/8। देखिए, 5/7, 5/3, 5/2 और 5/8। तो देखिए, अब क्या करेंगे, अंश जैसे समान है, अंश सब समान है, देखिए दोस्तों 5/5 है, तो हर देखना है, हर सबसे छोटा तो बड़ी फ्रैक्शन। इसका अगर हम आरोही क्रम लिखना चाहें, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा क्रम, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर बड़ा होगा, तो 5/8, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा ये 5/7, फिर 5/3, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा 5/2, तो सबसे बड़ी भिन्न 5/2, सबसे छोटी भिन्न 5/8, ठीक है ना। तीसरा टाइप है दोस्तों, तीसरा टाइप है जब ना अंश समान हो और ना हर समान हो, यानी कि जब ना अंश समान हो और ना हर समान हो, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी और बड़ी भिन्न। देखिए दोस्तों, जब केवल अंश समान है, जब केवल हर समान है, इनसे हम दोस्तों पूरा क्रम निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाली ट्रिक से दोस्तों केवल और केवल हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ही दोस्तों निकाल सकते हैं, हम क्रम निकाल नहीं पाएंगे इस विधि से, ठीक है ना। तो ये दोस्तों एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि 4/5 और 3/7 में कौन सी भिन्न जो है वो
बड़ी है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस चार का मल्टीप्लाई हमने साथ में किया और इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना। और इस तरफ क्या करोगे आप, तीन का मल्टीप्लाई पाँच में करोगे, ठीक है ना। इस तरफ से पहले चार लिखोगे और इस तरफ से पहले तीन लिखोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, देखिए 4 7 28, ठीक है ना, और 3 5 15, कौन बड़ा है, 28 बड़ा है। और 28 कहाँ पर था, यहाँ पर, तो 4/5 बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। मान के चलिए आपके पास लिखा हुआ है कि 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13 में हमें क्या है, बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखिए करेंगे कैसे, अब इतनी सारी भिन्न में हमें कंपेरिजन कराना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप जो है वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो फ्रैक्शन को ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 का 8 में गुणा और यहाँ पर 6 का 6 में गुणा करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए 5 8 40 और 6 5 36, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, यानी कि 5/6 बड़ा हो गया। तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब इसकी कंपैरिजन इसमें का, क्यों, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न निकालनी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, 5/6 की कंपैरिजन 7/9 से करेंगे। तो यहाँ पर 5 का गुणा किस में, 9 में, ठीक है ना, और इस 7 का गुणा 6 में। तो 9 5 45, ठीक है ना, और 7 6 42, कौन बड़ा है दोस्तों, 45 बड़ा है, यानी कि 5/6 अभी भी बड़ा है। तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब इसकी कंपैरिजन इससे कराओ, तो 5/6 और यहाँ पर 11/13, यानी कि 5 का गुणा यहाँ पर 13 में करेंगे और 11 का गुणा हम यहाँ इसमें 6 में करेंगे। तो कितना आया, 13 5 65 और 11 6 66, तो कौन बड़ा है, 66 बड़ा है, यानी कि इस वाला, इस साइड वाला। तो ये 11/13 इसका जो है वो सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बड़ी भिन्न जो होगी दोस्तों आपकी वो हो जाएगी 11/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11/13 हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपने बड़ी भिन्न की पहचान कर ली, लेकिन इसमें आप क्रम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो देखिए मान के चलिए एक अगला क्वेश्चन है कि 8/9, ठीक है ना, 10/9, ठीक है ना, 12/11 और 5/4 में हमें छोटी भिन्न बतानी है, छोटी भिन्न। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों फ्रैक्शन को लेंगे भिन्न को। तो 8 का गुणा 9 में करो और इस 10 का गुणा 9 में करो। तो 8 9 72 और 10 9 90, तो कौन छोटा है, 8/9 छोटा है ना, तो ये हटा दो। क्यों, क्योंकि हमें छोटी भिन्न निकालनी है, तो छोटी ही भिन्न लेंगे। अब इसकी कंपैरिजन इससे कराओ, तो 8/9 और 12/11। तो देखिए अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का गुणा 11 में तो 88 आया, 9 का गुणा हम 12 में करें तो कितना आया, 108। तो कौन छोटा है, 8/9 अभी भी छोटा है, तो अब इसकी कंपैरिजन इससे कराओ। तो 8/9 और यहाँ पर 5/4, तो अब देखिए 8 5 40 और यहाँ पर 5 9 45, कौन छोटा है, 8/9। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा 8/9। तो इस तरीके से आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचान करनी है, ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नया मेथड है इसमें दोस्तों, मैं आप लोगों को, मान के चलिए आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, और एक छोटा सा टाइप है वो है चौथा टाइप। कौन सा टाइप है, चौथा टाइप। तो इस चौथे टाइप में जब मान के चलिए अंश, अंश बा हर में अंतर समान है, क्या हो, अंश बाहर में अंतर समान हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। मान के चलिए अपने पास फ्रैक्शन है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/4। अब हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बनी बड़ी है, और इसमें दोस्तों आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने क्या कहा, अंश बाहर में अंतर देखना है। देखो इसमें अंतर कितना है, 1 का,
इसमें अंतर कितना एक का, इसमें कितना एक का और इसमें कितना एक का, यानी कि अंश और हर में जितनी भी भिन्न है वो सब में अंतर समान है, यानी कि एक ही आ रहा है, यानी कि समान अंतर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जिसका जिसका अंश छोटा होगा, अंश अगर छोटा है तो वो छोटी भिन्न, ठीक है ना, और अंश अगर बड़ा है, क्या है बड़ा, तो वो क्या होगी बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन क्या लिया था, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अंतर जो है वो सब में दोस्तों यहाँ पर एक एक आ रहा है, ठीक है ना, एक एक आ रहा है। तो देखिए, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न, यानी कि अगर हम आरोही क्रम लिखना चाहें दोस्तों, तो देखिए सबसे छोटी भिन्न 1/2, ठीक है ना, फिर उससे थोड़ी बड़ी 2/3, और बड़ी 3/4, और बड़ी 4/5। यानी कि अंतर अगर समान है तो अंश छोटा तो छोटी भिन्न, अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न, ठीक है ना। अब मान के चलिए लिखा है कि जब अंश, पांचवा टाइप है, जब अंश व हर का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे। जब अंश और हर का अंतर समान नहीं है, तो देखिए मान के चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 7/9, 11/15, 13/17 और 19/21, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, देखिए अंतर तो अभी भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इन दोनों में अंश बटे हर में 4 का अंतर, और इसमें दोस्तों 2 का अंतर। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में जो भी अंतर आए, 2, 4, 4 और 2, इनका एलसीएम निकालना, और इनका एलसीएम दोस्तों आएगा 4, ठीक है ना। देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर था 7/9, 11/15, 13/17 और 17/21। तो देखिए, तो एलसीएम दोस्तों हमारा क्या आया, एलसीएम आया 4, ठीक है ना, यहाँ पर अंतर 2, 4, फिर 4, फिर 2, तो एलसीएम 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम में देखो, हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं अंतर, ठीक है ना, ठीक है, इस एलसीएम में हमें अंतर से भाग देना है। तो 4 का भाग हमने दोस्तों 2 में दिया, तो कितना आया 2, और इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 2 × 7 = 14, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी भिन्न क्या दी, तो इसका एलसीएम 4 है, 4 का 4 में हम भाग देंगे, एलसीएम में भाग देना है जो भी अंतर आया, तो 1 आया भाग दे के, फिर इस 1 का गुणा हम 11 में करेंगे, तो यहाँ पे 11 आया। यहाँ पर देखते चलिए, इस एलसीएम में हम अंतर का भाग देंगे, ठीक है ना, और इसमें कितना आया 1, इस 1 का गुणा हम 13 में करेंगे, तो 13 आया। फिर यहाँ पर देखिए, इस एलसीएम में हम अंतर कितना था, 2 कितना था, 2 का था, 200 यहाँ पर 19 था, तो यहाँ पर 2 का अंतर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, तो कितना आया 2, और इस 2 का गुणा हम कितने में करेंगे, 19 में, तो कितना आया 38। तो देखिए दोस्तों, जो कम वैल्यू आ रही है वही छोटी भिन्न, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वही बड़ी भिन्न। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, यानी कि 11/15 आपकी छोटी भिन्न, ठीक है ना, और 38 सबसे बड़ा है, तो 19/21 आपकी सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है ना। और आप क्रम भी निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर आपका ये रहेगा, दूसरी फ्रैक्शन उससे बड़ी ये, तीसरी फ्रैक्शन आपकी ये, और चौथी फ्रैक्शन आपकी ये, ठीक है ना। तो इस मेथड में आप क्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं अंतर वाली विधि में, ठीक है ना। तो जब अंतर समान हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या देखना है, अंश देखना है, अंश छोटा तो छोटी भिन्न, अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न। लेकिन जब अंतर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं है तो क्या बताया मैंने कि एलसीएम निकालो सबसे पहले, तो ठीक है ना, फिर दूसरे मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँ कि एलसीएम में दोस्तों अंतर से भाग दोगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उस वैल्यू का अंश में गुणा करोगे, और सब इस तरीके से सारी भिन्नों में करोगे, तो जिसका अंश छोटा तो छोटी भिन्न, और अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, इस तरीके से आप दोस्तों जो है यहाँ पर आप बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं, और उनका क्रम भी दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए,
ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसी तरीके की ट्रिक पाने के लिए अच्छी अच्छी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इसे देख सकें और इन ट्रिक्स का दोस्तों इस्तेमाल एग्ज़ाम में कर सकें ताकि आपका जो है वो समय जो है वो बच सकें। ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।